अब हम बारी का इंतजार कर रहे हैं। आशीष मेरे पास ही बैठा हुआ है। नीचे नहीं उतरना, इसने बैठना बड़ा मुश्किल किया हुआ यहाँ पे। बड़ा शरारती हो गया। ये कटिंग हो गई है बिल्कुल डन। और काफी दिन टाइम से घर से बाहर निकला हुआ है, दूर हो रहा था। अभी आ गया मैं बर्गर खाने के लिए, पर मैं ऐसे घर नहीं जा रहा था। इधर लगाना आपने, एक जिंगल लगा देना। आशी ने बर्गर खाते खाते, बर्गर आने में अभी टाइम था, तो युजाशी ने पकड़ लिए बलून और इसके पैसे देने पड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सदाम राठ, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। ये जो बंदा ना पीछे वाला, ये कुछ दिनों से मेरी जान ही छोड़ रहा है, कुछ दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आज चार दिन हो गए बंदा मेरी जान ही छोड़ रहा। जब भी ब्लॉग शुरू करता हूँ तो ये बंदा मेरे साथ ही होता है, और आज ही बंदा मेरे साथ ही है। आज मैं जाने वाला कटिंग करवाने, कुछ दिनों से भाई भी और ये अरहम मुझे कह रहा था यार मामू कटिंग करवा लो, बुरी हालत हुई पड़ी है। तो घर वाले भी डांट रहे थे मुझे कि कटिंग करवा ले यार, या टिन करवा ले या कटिंग करवा ले। तो पहले मेरे बाल गिर रहे थे, सोचा आज डिसाइड कर लिया कि आज जाना है कटिंग करवाने के लिए। और युजाशी भी मेरे साथ ही है, युजाशी माशाल्लाह ठीक हो गया। तो आज जाने वाला कटिंग करवाने, कटिंग करवाएंगे, एक नया सलून ढूंढना है जिसे कटिंग कोई अच्छी करे। और कटिंग मैंने सोच लिया है कि ये जो साइडें हैं इसको थोड़ी सी बारीक करवा लेंगे, ऊपर से थोड़ी ट्रिमिंग करवा लेंगे। पहले मैंने कैरोटीन करवाई थी, उसमें ट्रीटमेंट करवाया था कैरोटीन का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो अब मैंने करवानी है आज ये साइड से कटिंग करवानी है। और ये जो खत है ये थोड़ा सा बारीक है, थोड़ा सा इसको बारीक कर देंगे, दाढ़ी थोड़ी सी हल्की कर देंगे। मोली शोली बना पड़ा हूँ मैं पूरा। अरम की कटिंग देखते हैं यार, अगर अरम चाहे तो अरम की कटिंग करवा लेंगे। अरम क्या करवानी, कटिंग करवानी है जी। अरम की कटिंग आज मेरे साथ ही होगी, तो टाइम जाया कर बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। ये अभी सलून पे जाने वाला हूँ, कोशिश है सलून पे। ये मैंने नया हेयर सलून ढूंढा है करीम ब्लॉक में, अभी इसके अंदर जाने वाला हूँ मैं जी। अभी कटिंग करवाने का टाइम आ गया, तो सलून पे आ गया हूँ मैं। अरम को मैंने बिठा दिया है, अरम अंदर है, युजाशी भी मेरे साथ ही है जी। युजाशी क्या हुआ है, युजाशी भी चाचू के पास ही है, वो देखो कौन देख रहा है। और अरम को बिठा दिया पहले मैंने। अरम किस कटिंग करवानी है बताओ, बताना अंदर को किस कटिंग करवानी है, क्या किस का स्टाइल बन सकता है। वैसे बाल बड़े कर ली है ना यार। अब हम बारी का इंतजार कर रहे हैं, युजाशी मेरे पास ही बैठा हुआ है। ये बच्चा मुझे बड़ा तंग कर रहा है। क्या हुआ है, किधर जा रहा है, नीचे ना उतरी, नीचे ना उतरी, पाँव गंदे हो जाने सारे, नीचे नहीं उतरना। इसने बैठना बड़ा मुश्किल किया हुआ यहाँ पे। बड़ा शरारती हो गया। छोटी छोटी शरारती है, छोटी छोटी शरारती है। वाह जी वाह, ये क्या बेडरूम है, यहाँ पे लेटने आया यहाँ पे शरारती जी। अब आ गई मेरी बारी, तो फायर गया मेरा सर वॉश करने वाला, मिट्टी बड़ी पड़ी हुई है, सुबह से ना सर वॉश नहीं किया। करोगे ना आप वहाँ पे, सर वॉश करने वाला मेरा यार, यार ऐसी कटिंग हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। चलो इतनी ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा अब। लो जी कटिंग हो गई है शुरू। युजाशी बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, युजाशी आवाज लगा रहा पीछे बैठा हुआ। ये कटिंग हो गई है बिल्कुल डन। और युजाशी काफी दिन टाइम से घर से बाहर निकला हुआ है, दूर हो रहा था। बस यार जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं बेटा, जा रहे हैं। कटिंग हो गई है, यस इधर से भी, और इधर से भी टाइम काफी हो गया। बात तो सुनो, क्या हुआ है, क्या लेना है, क्या लेना है, बताओ मुझे क्या लेना है, क्या क्या लेना, क्या लेना है, कैंडी। अच्छा ऐसे लेते हैं, बताओ क्या लेना है, बता दो, क्या लेना है नैनी। अच्छा कैंडी लेते हैं जी, युजाशी कैंडी को बोलते हैं नैनी। युजाशी ने मुझे जाने नहीं दिया, कहते पहले कैंडी लेनी है, कैंडी लेनी है ना, क्या लेना है बताओ। अच्छा दोस्तों को तो बता दो क्या लेना है, क्या लेना है नैनी। अच्छा जी कैंडी लेनी है, हम शॉप पे आ गए हैं, युजाशी को कैंडी बड़ी अच्छी लगती है ये। वैसे आज आज दो दिन हो गए कैंडी खा रहे हैं, अभी मैं स्टोर पे आ गया हूँ। कौन सी कैंडी यहाँ पे खाई नहीं, किधर किस शहर पे कैंडी है, मुझे ये बड़ी कौन सी लेनी है, ये वाली ले लें, ये वाली लेते हैं। अभी मैं आ गया हूँ मैं बर्गर खाने के लिए, अरे मैं ऐसे घर नहीं जा रहा था। इधर लगाना आपने, एक जिंगल लगा देना,
तो मैं आ गया हूँ भाई के पास, अभी भाई बर्गर लगाएगा। अरे हम सिंगल लगवा लें, एक सिंगल अभी हाफ ऑफ कर लेंगे, बाकी खाना खा लेंगे घर जाके। जी अब घर खाना भी खाना जाके, एक बर्गर लगवा लिया हमने, हाफ ऑफ कर लेंगे फिर बर्गर का वेट करते हैं यहाँ पर बैठ के। सही आसिफ अब ठीक है, अब इसके हाथ में कैंडी है, कैंडी दिखाओ, कैंडी कहाँ पे आपकी आसिफ, कैंडी कहाँ पे है ये आसिफ ने हाथ में दिखाओ ना कैंडी, मेरे मुँह देखो, इसका मुँह देखो, टाइम लगा दिया है भाई, हो कितना टाइम है यार, क्या सीन है अभी, अभी पीस बनाने ड्रॉप करने, टेम्परेचर थोड़ा लो यार, ये तो टाइम लग जाएगा यार, टाइम ही नहीं भाई, टाइम ना लगा देना यार, अरे यार कितना टाइम और, 10 मिनट बर्गर आने में अभी टाइम था, तो युवराज सिंह ने पकड़ लिए बलून्स और इसके पैसे देने पड़ गए हैं, युवराज सिंह ने पकड़ तो लिए हैं लेकिन पकड़ नहीं रहा, खेल नहीं रहा, अब कहाँ जा रहा है इस बंदे ने, बच्चे ने मुड़ बड़ा किया जी। एंडी क्या ये, क्या ये एंडी से लेता हूँ, युवराज कैंडी के बोलते हैं नंदी, बर्गर खाने के बाद बर्गर खा लिया था तो ये तो आशिक को भूख लगी थी, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाना, मैं बड़ा वीडियो आ चुकी यहीं पर फोन करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।